कोरोना महामारी के चलते ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले ज़्यादातर लोग बेरोजगार गए हैं। ऐसे में सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरन ब्लॉक के गद्दीडीह गांव के निवासी झिलकन सहित 25 लोगों का मनरेगा में जॉब कार्ड न बनने के कारण उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब कुछ नहीं बना है बाबू, जॉब अब कारण कुछ नहीं बना है, क्यों सुनते ही नहीं है, गरीब का क्या सुनत है। अरे अब साहब मजूरी उजूरी नहीं कहूँ कहीं मिला था, जॉब कार्ड बना था तो अपन चाहे जहाँ नरेगा में काम करी मजूरी मिले, और जो नहीं काम ही नहीं बना है तो हमारे तो हमें क्या पूछा था, क्यों नहीं पूछा था। हाँ कोरोना से ही तो सबसे बड़ी मुसीबत है। अरे उससे बड़ी दिक्कत होता है कि हम लोग को मजदूरी नहीं कहीं मिलता, कहीं काम नहीं मिला था, कहीं कुछ नहीं मिला था, हम लोग खाने का परेशान हैं। यही होता है कि बच्चों को खाने के लिए नहीं है तो उसका करेंगे जब भी तो मिलेगा, ऐसा कोरोना की वजह से बंदी हो गया सारा काम। दिक्कत है यहाँ पैसे नहीं है, एक रुपये भी ना साबुन तेल का पैसे ना दवा पैसे, कोरोना के चक्कर से बन जाता तो हम लोग काम ही करते। तो ये जॉब कार्ड बन क्यों नहीं रहा हम लोग का? बनवा ही नहीं रहे कोई, हम लोग का सुनते नहीं, कहता हूँ जब क्या करें, कहते हैं कि जॉब बनवाओ बनवा पाओ तो जैसे कहीं काम ही नहीं मिल रहा है और ना जी कहीं मजदूरी नहीं मिल रहा है और लड़के बच्चे सब भूखन मर रहे हैं गरीब आदमी। इसके लिए साहब जॉब कार्ड बनना तो अपन मेहनत करी लड़के बच्चे का। मैंने वीडियो बनाने के बाद समुदाय के साथ स्क्रीनिंग किया वीडियो का, और स्क्रीनिंग करने के बाद फिर हमने समुदाय को इकट्ठा करके मीटिंग किया। मीटिंग में यह तय हुआ कि हम लोग इस समस्या पर इससे संबंधित कर्मचारी से बात करें। उसके बाद फिर हमने ग्राम सभा रोजगार सेवक से हमने बात किया इस विषय में। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि हम जॉब कार्ड की समस्या पर जल्द से जल्द जॉब कार्ड बनवाने का काम करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मनरेगा मजदूरों का जॉब कार्ड बन सके। मैं ब्रह्मजीत सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।